अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है बहराइच से। चाइनीज मांझे में फंसकर मासूम की मौत हो गई है। चाचा गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए चाचा भतीजी जा रहे थे। कुरियन पुरवा गांव के निवासी हैं दोनों। रामगांव थाना क्षेत्र के राजापुर गांव की घटना है। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, चाइनीज मांझे में फंसकर मासूम की मौत हो गई है, जबकि चाचा गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे दोनों चाचा भतीजे। कुरियन पुरवा गांव के निवासी हैं और रास्ते में यह हादसा हुआ। चाइनीज मांझे में फंसकर मासूम की तो मौत हो गई, लेकिन चाचा जो है गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुरियन पुरवा गाँव के निवासी हैं। रामगांव थाना क्षेत्र के राजापुर गांव की घटना। जा रहे थे बेगमपुर, कोई वो एक दावत थी वहाँ पे जा रहे थे सर। वही में थी चार लोग थे एक बाइक पे, इनकी माँ थी तिलकराम की रामबासा और तिलकराम थे, और इनका भतीजा था वो राजू का लड़का जो रजत। और ये हाईवे पे जा रहे राजापुर के पास में, वही जो मंझा से इनका गला कट गया। अच्छा, तो बच्चे की मौत कहाँ हुई? वही पे सर, मौके पे फंस गई थी। और कोई घायल भी हुआ है? हाँ, वो जो उनके जो बड़े पापा है तिलकराम है सर, वो घायल हुए। अच्छा, एक बच्चा आया था जो ब्रॉडेड आया है हॉस्पिटल में, वो पहले से ही मृत्यु था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके नाम पता के बारे में। वो आया यहाँ पे, डॉक्टर ने देखा, उसको सर्टिफाई किया, तो उसके बाद वो लोग उसको लेकर के चले। कहाँ चोट के निशान थे? उसके गले पे। क्या लगता है कैसे? घर वाले बता रहे हैं ऐसा कि मंजे से हुआ है, पतंग उड़ाने वाले। तो ये चाइना मंझे से जो हादसा हुआ है, इसमें क्या लोग, कोई घायल भी आया आपके यहाँ? नहीं, कोई और एक एक घायल था, एक उसमें घायल जिसका इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। बाकी जो ब्रॉडेड आया था बच्चा, वो लोग लेकर चले। तो ये इतना बड़ा हादसा किस चीज़ से बताया जा रहा है? घर वालों ने क्या बताया था? उनके घर वालों का ये कहना है कि पतंग उड़ाते समय मंझे के कटने की वजह से हुआ है।